मैक्सवेल के शतक के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे T20 में भारत को 5 विकेट से हरा दिया। आपको बताते चले कि यह मैच गुवाहाटी में हो रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 222 रन बनाए। इसमें सबसे बड़ा योगदान ऋतुराज गायकवाड़ का था, जिसने 123 रन बनाए मात्र 57 गेंद में। इसमें सबसे इस पारी में सबसे बड़ी बात यह रही कि स्टार्टिंग के 22 बॉल में ऋतुराज गायकवाड़ के मात्र 22 रन थे, मतलब रन ए बॉल, और लास्ट 35 बॉल पे 101 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए। ये बहुत ही काबिले तारीफ पारी थी। कुल मिलाकर इंडिया ने 3 विकेट पर 222 रन बनाए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव का भी थोड़ा अच्छा खासा योगदान था। बात करें इंडिया की, तो इंडिया के स्टार्टिंग में ही 24 रन पे, मात्र 24 रन पे 2 विकेट गिर गए थे, तो शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई थी। फिर भी अंतिम में इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और देखा जाए तो तिलक वर्मा 26 बॉल में मात्र 31 रन बनाए, तो उन्होंने उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं दी, अन्यथा 240-250 भी जा सकता था। इसमें ईशान किशन 0 रन पे 8 हुए, और ऐसा लग रहा है कि अगर मैच में अगर हार का तो कोई बहुत बड़ा कारण है तो इसमें ईशान किशन भी है। एक तो उनका 0 रन पे आउट होना, और दूसरा वो स्टंपिंग छोड़ दिए मैक्सवेल का, आसान स्टंपिंग, वो बॉल को स्टंप के आगे से पकड़ लिए, जिस कारण से बॉल को नो बॉल दिया गया था। एक अतिरिक्त रन भी मिला, और नो बॉल पे भी छक्का भी लग गया, तो कुल मिला के 7 इसी अतिरिक्त रन, और उसने एक पीछे तरफ एक चौका भी छोड़ दिया, तो मतलब 11 रन ईशान किशन ने छोड़े ब्लैक से ऑस्ट्रेलिया को दिए अपने तरफ से। और आपको पता होना चाहिए कि मैच अंतिम ओवरों तक गया था, लास्ट बॉल तक। ऐसे देखा जाए तो लास्ट ओवर में भी 21 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए, तो ये भी कम नहीं थे। लेकिन क्या बोले हमारे इंडियन बॉलर, वो फास्ट बॉलर, समझ में नहीं आ रहा कि प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया क्यों जा रहा है। 3 मैच में हमेशा वो खूब ठोका है, इतना वो पीटे पिटाए हैं कि कहना नहीं है। हर मैच में समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें खिलाया क्यों जा रहा है। क्या मुकेश कुमार क्या चले गए अपना शादी सेरोमनी में, तो इंडिया की तो वाट ही लग गई। 222 रन को भी डिफेंड नहीं कर पाए, लास्ट ओवर में 21 रन था उसे भी डिफेंड नहीं कर पाया, और एकदम बहुत बुरी तरह से हराया गया, बहुत बुरी तरह से। इंडिया को अपने ही ग्राउंड में लास्ट ओवर में अगर 21 रन बनाना पड़ा अगर अगला टीम को, फिर भी वो जीत रही है, तो इसमें मतलब इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। असदीप सिंह को देख रहे हैं हर मैच में पिटा रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हर मैच में पिटा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि और इंडिया में कोई बॉलर है भी नहीं या नहीं। इन लोगों को पिटाया जा रहा है फिर भी वही बॉल लॉलीपॉप। हमें नहीं लगता कि इन बॉलों से कुछ होने वाला है। जहां तक बात करें ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैक्सवेल ने क्या धुआंधार भाले खेले हैं, बहुत मैक्स पारे उसने, सिर्फ मैक्स शो चल रहा था। वो बता दें कि वो अपना 100वें मैच में उन्होंने शतक मारा, 100वां मैच में शतक, मतलब कुल मिला 104 रन मात्र 48 बॉल में, 8 चौके 8 छक्के, और लास्ट ओवर में 21 रन चाहिए तो 23 रन बना दिया उन्होंने। लास्ट 4 बॉल में 16 रन चाहिए था, चौका छक्का चौका चौका, मतलब क्या हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। इंडिया की बॉलिंग कुछ है या भी नहीं। जिस तरह से मैक्सवेल ने अपने लास्ट ओवर में 30 रन पिटवाए थे, तो उसने उसका बदला ले लिया, और उन्होंने भी लास्ट ओवर में 21 रन चाहिए थे तो 23 रन मारा और ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया हारी है, लेकिन देखा जाए क्रिकेट के नज़रिए से तो अच्छा ही हुआ, ताकि मैच में रोमांच बरकरार रहेगा आगे जो मैच आने वाले हैं। क्योंकि अगर 3-0 से इंडिया जीत जाती तो श्रृंखला यहीं पे मतलब ख़त्म हो जाती, तो फिर वो मज़ा नहीं आता देखने में। ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो मज़ा तो ऐसे भी नहीं आ रहा, तब से फाइनल हारी है वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया, तब से दर्द अभी भी कहीं ना कहीं ताजा ही है। इतना जल्दी भरने में बहुत अभी समय लगेगा। ये क्या मैच, ये सीरीज, वो सीरीज, इससे सीरीज से कुछ होने वाला नहीं है। हमें चाहिए वर्ल्ड कप, फिर भी देखते हैं, जो है उसी में खुश रहना पड़ेगा।
पुराने यादों को भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से इंडिया की पिटाई हुई है इंडिया के बॉलरों की, खास करके लास्ट 2 ओवर में, इसमें हमारे बीसीसीआई को एक जरूर सोचना पड़ेगा, चयनकर्ताओं को भी ध्यान देना पड़ेगा। बाद में देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट मैच में। उम्मीद करते हैं कि इंडिया जीत कर श्रृंखला को अपने नाम करे।